दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में कुत्ते के भौंकने पर पड़ोसी ने लोहे की रॉड से मारने का वीडियो सामने आया है। कुत्ते के मालिक के परिवार ने जब उसे रोकने की कोशिश की तो उसने परिवार के 3 सदस्यों पर भी हमला किया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि कुत्ते के मालिक रक्षित ने बताया कि सुबह उसके पड़ोस में रहने वाला एक शख्स धर्मवीर दहिया उनके घर के सामने से जा रहा था। इस दौरान उनका पालतू कुत्ता घर के गेट पर बैठा हुआ था, तभी कुत्ता धर्मवीर और उसके पीछे जा रहे गली के कुत्तों पर भौंकने लगा। इससे धर्मवीर नाराज हो गया और कुत्ते की पूंछ पकड़कर उसे फेंक दिया। धर्मवीर जब कुत्ते को मार रहा था तो कुत्ते ने उसे काट लिया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि धर्मवीर को रोकने आई एक महिला को भी वह रॉड से मारने लगता है। रक्षित जब कुत्ते के बचाव के लिए आता है तो धर्मवीर कुत्ते को ईंट उठाकर मारने लगता है, लेकिन ईंट कुत्ते को नहीं बल्कि रक्षित को लग जाती है। इसके बाद धर्मवीर ने रॉड से कुत्ते के सर पर वार किया, जिससे कुत्ता वहीं गिर गया। धर्मवीर यहीं नहीं रुका, उसने रक्षित के मामा और मामी पर भी हमला किया। पुलिस ने रक्षित के बयान पर IPC की धाराओं और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।